हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से एनी टाइम जी के फैमिली में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के बीच हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल और संबंधित नदियों को याद करवाने का ट्रिक बता रहा हूँ, जो कि एक बहुत फनी ट्रिक है। अगर आप एक बार केवल सुन लीजिए तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। जैसे कि इसका ट्रिक है, लोभी मौसी का हरा कंघा रामा ने ले लिया तो वो रोष में आ गई और उसे बस से कुचल दिया। लोभी मौसी का हरा कंघा रामा ने ले लिया तो वो रोष में आ गई और उसे बस से कुचल दिया। तो यहाँ पर देखिए, लोभी, लो से होता है लोथल, जो कि लोभी, भी से हो गया भोगवा नदी। लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है। मौसी, मो से मोहन जोदड़ो, सी से सिंधु नदी, यानी मोहन जोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे है। उसी प्रकार हरा, हौ से हड़प्पा, रा से रावी नदी। इसको एक ट्रिक और है, जैसे कि अगर कोई भी चीज़ को हड़प लेंगे तो आप क्या कीजिएगा, रोने लगिएगा, तो हौ से हड़प्पा, रो से रावी नदी। इसी प्रकार कंघा, को से काली बंगन और घौ से घंघर, रौ से रंगपुर, माँ से मादर नदी, तो रो से रोपड़ पंजाब में है, स्व से सतलज नदी, ब से बनवाली जो कि हरियाणा में है, उसके बाद स्व से सरस्वती नदी। इसी टाइप से आपको क्वेश्चन परीक्षा में पूछता है और हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। इसलिए जैसे कि अगर आपको पूछेगा कंघा, तो कंघा याद रखना है, क से कालीबंगा, घ से घग्घर। इसी टाइप से पूछेगा कि रंगपुर किस नदी के किनारे है, तो मादर नदी, रौ से रंगपुर, माँ से मादर, रो से रोपड़, स्व से सतलज नदी, ब से बनवाली, स्व से सरस्वती। इसी टाइप से आपको परीक्षा में क्वेश्चन पूछता है और कंफ्यूज हो जाता है आदमी। इसलिए कंफ्यूज मत होइए, एक बार इस वीडियो को केवल देखिए, देखने के साथ आप हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकॉन को करना ना भूलें। इसलिए आप लोग जरूर लाइक करें। धन्यवाद।